नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन भारत की वीआईपी सुरक्षा में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। हम आपको बताएंगे कौन करता है राष्ट्रपति की सुरक्षा और क्या खास है उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा उनके अंग रक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड कहा जाता है, जिन्हें पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कहा जाता है। हम आपको बता दें, ये दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 250 वर्ष पूर्व वारेन हेस्टिंग द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु की गई थी। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें हम बता दें, वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि 1784 से 1785 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और साथ ही इन्होंने ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था, और इसके उस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा भी देना पड़ा था। अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन थे उसके मुख्य न्यायाधीश, वो थे एलिजा इम्पे। हम आपको बताते हैं आगे, 250 वर्ष पूर्व वारेन हेस्टिंग द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु की गई थी। उस समय वारेन हेस्टिंग ने युद्ध कौशल में प्रशिक्षित 50 युवाओं को मुगलिया दरबार से पीबीजी में भर्ती किया था, यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में भर्ती किया था। पीबीजी में लगभग 222 सैनिक शामिल हैं, जिनमें 4 बड़े अधिकारी, 20 जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, और 198 जवान आते हैं। ये सभी राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं। ये है, हमने आपको बताया कौन करता है राष्ट्रपति की सुरक्षा। हमने आपको बताया कि सुरक्षा करता है पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। हमारे आज के सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे हम आपको भारत की वीआईपी सुरक्षा में। हम आपको बताएंगे कौन करता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा अगले सेशन में। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।